मैं बोलूंगा टीम एक्सपर्ट मेजबान है और मेहमान बन के आई है K9 स्क्वाड उनकी तरफ, और मैं देख पा रहा हूँ मल्टीपल दो नॉकआउट अभी के लिए देखने को मिलेंगे। उस फाइट की तरफ भी जरूर बढ़ना चाहिए क्योंकि ह्यूमनॉइड को कर दिया जाएगा नॉकआउट, मैक्सी ओपी गॉड्स को करेंगे। इतने सारे फिनिशेस ऑलरेडी 9 फिनिशेस निकाले हैं, लेकिन कोशिश उनका वही रहेगा कि वो आगे बढ़ते बाल बचे कुछ ही एचपी, लाइक ओनली कार्निवल गेमिंग का कंफर्मेशन आ चुका है कि उनका हो चुका है खात्मा, टॉप 6 टीम्स हम लोगों को मिल चुका है। प्रो इधर अकेले जूझते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं शायद भी इधर ओपन में फंस चुके हैं, कहने की थोड़ा सा कवर जरूर है लेकिन ये काफी शायद नहीं होगा। टीम एक्सपा के पास एक बहुत ही अच्छा मौका और टीम टीडब्ल्यूओबी की तरफ से एगी रहने वाले हैं वो आखिरी प्लेयर, लेकिन फंस जाएंगे जोन के बाहर। जोन के अंदर आते आते उनका काम तमाम हो सकता है, बट मेटल डॉग्स जस्ट ग्रेनेड फेंकने के लिए बाहर आए थे, हल्का सा पीक था लेकिन क्या कमाल का खेल है। लेकिन सारंग उनको भी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और देखते देखते टीम एक्सपा अब मात्र 2 खिलाड़ी, 2 प्लेयर्स हो चुके नॉकआउट, 2 बचे हुए अभी भी। स्प्रे गॉड और निंजा जॉट की ये जोड़ी कहां तक लेके आती, बट मार्किंग चल रही है, उनको हल्की सी हलचल रही है जिसके चलते उन्हें मार्क करा है कि हाँ वहां पर भी प्लेयर हो सकते हैं तो ज्यादा ओपन में मत आइए। बट अब एगी ने भी अपनी पोजिशनिंग बता दी है क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन था नहीं, जाएंगे जरूर, और मुझे तो लग रहा है कि इन्वेंटरी भी डबल होने वाली है उनकी। जी हाँ, लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट, इससे बेटर क्या हो सकता है। टॉप 2 तक आ जाएंगे यहाँ से एगी, और अब क्या है तो टीम एक्सपार्क हो सकता है कि मुश्किल में डाले। यस, उसी के साथ समा